हेलो दोस्त, एक बहुत बड़ा न्यूज़ जो सुबह ही आया था, और उस न्यूज़ में अगर कह सकते हैं कि एडिशनल पैनल है, रिप्लेसमेंट पैनल भी है आईटीआई टेक्नीशियन और पीसीएम टेक्नीशियन का, साथ में उसमें कटअप भी डिटेल है। और इसमें नाम लिखने की तो ज़रूरत है नहीं किस आरआरबी की है, क्योंकि आप फ्रंट पे ही दिख रहे होंगे आरआरबी चेन्नई की है पैनल। और पैनल में अगर देखें डिटेल तो एक एक करके हम देखेंगे। www.railwaylifelp.com पे भी अपडेट कर दे रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट पे देखना पहले ज़रूरी है कोई भी पैनल पे। तो यहाँ पे आप चेन्नई के वेबसाइट पे आएंगे तो चेन्नई पे वेबसाइट पे तीन अपडेट आपको मिलेगा। पहला अपडेट मिलेगा जिसमें 24/8 लिख रहा है, लेकिन 30/8 के डेट में डिस्प्ले हुआ है। ये आपका पैनल है रिप्लेसमेंट पैनल, जिसमें मात्र तीन कैंडिडेटों का नाम है, कैटेगरी नंबर 61 और कुछ एक और है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल काफ़ी कैंडिडेटों का नाम है, और कह सकते हैं कि अच्छा है जितने कैंडिडेटों को जॉब मिल जाए। हालांकि कटअप ठीक है, लोअर साइड में गया है, उससे कोई मैटर नहीं करता, कैंडिडेट एलिजिबल है, उसी को तो क्वालिफाई कराया गया। और उसके बाद आपका यहाँ पे पैनल का स्टेटस दे दिया है कि अभी तक हमने पैनल दिया है तो कुछ कैंडिडेट का कॉमेंट भी आया था कि इसके बाद भी आ सकता है क्या। तो देखिए, मैं जब से वैकेंसी 1/2018 आई है, तब से मैं यही कहता हूँ कि सब डिपेंडेंट करता है रिक्वायरमेंट पे, यानी ज़रूरत पे। अगर ज़रूरत रहेगा तो पैनल आएगा ही, और नहीं ज़रूरत रहेगा और अप्रूवल नहीं मिलेगी तो पैनल में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन अभी उम्मीद है, अभी एलपी टेक्नीशियन की कोई नया वैकेंसी नहीं है, और पैनल की वैलिडिटी भी 1 साल बढ़ा दी गई है 2023 तक, तो अभी फ्यूचर में आ सकता है। लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि कितना आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा केवल आरआरबी ही बता सकता है कितना अप्रूवल हुआ, कितना देना है। अब इसमें एक एक करके डिटेल में हम एक एक करके ओपन करते चलेंगे। तो एक बार हम पहले ओपन कर लेते हैं, एक बार यहाँ से एक मिनट पहले ओपन कर लेते हैं वो जो कैंडिडेट का सबसे बड़ा पैनल है, एडिशनल पैनल। यहाँ पे आपका देखेंगे अतिरिक्त पैनल के नाम में, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, पढ़ना नहीं है कहाँ जाना है क्या जाना है। तो पहला पैनल आपका शुरू होता है कैटेगरी नंबर 25 से, जिसमें आप देख सकते हैं हर कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं, लेकिन कौन से कम्युनिटी में क्वालिफाई है यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका सबका कैंडिडेट का एक एक है। शुरुआत ही ओबीसी किससे हुआ है, और कटअप 41.9344 है, और ये नीचे की तरफ इसी तरफ आएंगे तो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं जिनका कटअप 39 तक अभी आ गया है इस कैटेगरी के लिए, बाकी में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दूसरे में इसी में एसटी कैंडिडेट हैं, तीन कैंडिडेट इनका भी नंबर है, यानी इस पैनल में टोटल 14 लोगों का नाम है। उसके बाद आपका 31 कैटेगरी नंबर में टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ ओबीसी और यूआर दोनों कैंडिडेट हैं। ओबीसी का देखिए यहाँ पे थोड़ा कटअप ऊपर है, हो सकता है एक कैंडिडेट का एज बेनिफिट लिए होंगे, इसलिए यूआर में नहीं देखे, ओबीसी में सिलेक्शन हुआ है 45 और यूआर का 44 हुआ है। हालांकि कैंडिडेट सब ओबीसी के ही है, लेकिन सेलेक्टेड वो कैंडिडेट ओबीसी में हुए हैं ये वाले, और ये यूआर में, इसलिए आप समझ सकते हैं एज बेनिफिट वाला जिनको कैंडिडेट का एज होगा, देखिए 93-95 है, लेकिन यहाँ पे तो 95 वाला कैंडिडेट का एज बेनिफिट नहीं दे रहा है, हो सकता है अब क्या कारण रहा हो नहीं बता सकते। 95 का तो कैंडिडेट यहाँ पे भी है, यहाँ पे यूआर में क्वालिफाई किया है, 92 का कैंडिडेट, 95 का, हो सकता है उन्होंने ओबीसी के बाद एक ऑप्शन भी होता है आपका नॉन क्रिमिनल लेयर, वो नहीं भरा हो या भरा हो, कम्युनिटी तो यहाँ लिखा हुआ है उनके पास, हो सकता है डॉक्यूमेंट ना हो, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद इसमें 11 लोगों का पैनल है टोटल, उसमें से 2 एसटी कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं और 2 एससी के, बाकी ओबीसी वाले ही लोग हैं, लेकिन क्वालिफाई यूआर और ओबीसी दोनों के लिए है। अगला पैनल 33 नंबर कैटेगरी है, ठीक ठाक है, वर्कशॉप साउथर्न रेलवे टेक्नीशियन 3 का, डीजल इलेक्ट्रिकल वाले का। यहाँ भी कैंडिडेट ओबीसी से ही ज़्यादा है, और देखिए सारा कैंडिडेट यहाँ तक ओबीसी से है 13 नंबर पर, फिर उसके बाद नीचे यूआर के कैंडिडेट है, यूआर का कैंडिडेट का भी यहाँ भी कटअप कम है, उसके बाद एससी एसटी यूआर के कैंडिडेट है, ओबीसी यानी ओबीसी वाले ही कैंडिडेट अलग अलग कम्युनिटी में क्वालिफाई किए हैं। देखिएगा इधर लिखा हुआ है उनका एक्चुअल किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और किसके अगेंस्ट क्वालिफाई है, वो वाला इधर है। तो यहाँ नीचे पे तक आएंगे तो यहाँ पे ये पैनल थोड़ा बड़ा है 32 लोगों का। उसके बाद अगला पैनल है आपका 34 नंबर कैटेगरी, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल के लिए साउथर्न रेलवे का ही है ये भी। यहाँ पे भी कैंडिडेटों को देखेंगे कटअप तो यानी 50 से नीचे ही है सारा कटअप, 36, 34, 35, 34 जो भी है ये कटअप है। यहाँ पे 31 लोगों का पैनल है। उसके बाद आपका टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक वर्कशॉप साउथर्न रेलवे कैटेगरी नंबर 37, जिसमें आपको देख सकते हैं शुरू होता है
ओबीसी ही कैंडिडेट का, और अभी तक मुझे कोई कैंडिडेट यूआर का नहीं दिखा है। यानी हमें लगता है कि जो पहले कुछ एक कोर्ट का ऑर्डर था सिकंदराबाद के केस में, उसका भी तो नहीं फॉलो हो रहा है कि पहले जो कैंडिडेट शिफ्ट हुए हैं जिसके कारण से हो रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है इसलिए हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे 27 कैंडिडेट इसमें हैं। उसके बाद अगला कैंडिडेट आपका आईसीएफ के लिए दिया हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरी नंबर 42 में। इसमें भी देखिए सारा ओबीसी और एक यूआर का कैंडिडेट यहाँ पे है। तो एक आध कुछ कैंडिडेट हैं यूआर का और यूआर के अगेंस्ट सेलेक्ट हुए हैं, कुछ लिमिटेड हैं, तो इनका भी आप देखेंगे तो 19 लोगों का पैनल है यहाँ पे। और पैनल के बाद अगला पैनल आता है, तो अगला पैनल है आपका कैटेगरी नंबर 44 जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड वाले। यहाँ भी देखिएगा यहाँ पे एक ये है कि सभी कम्युनिटी का अलग अलग लेके टोटल 30 तक कट अप नीचे लोअर तक आया है एससी कम्युनिटी में। तो उसके बाद अगला पैनल 47 में ही दूसरे आपका साउथर्न रेलवे का ही, जिसमें एक कैंडिडेट है। उसके बाद अगला है 49 कैटेगरी। 49 नंबर कैटेगरी में आप देखेंगे तो शुरुआत भी ओबीसी से और एसटी में, इसमें कैंडिडेटों की संख्या मात्र 5 है। उसके बाद आपका कैटेगरी 51 जो इलेक्ट्रिकल टीआरडी वाले हैं, कैटेगरी 51 में, इसमें भी 5 कैंडिडेट हैं और 5 में से मैक्सिमम ओबीसी और एक एसटी कैंडिडेट, यानी 4 और 1 का रेशियो है। उसके बाद अगला कैटेगरी आपका है 54 नंबर 50 इलेक्ट्रिकल टीआरएस, जिसमें आपका देखेंगे पैनल थोड़ा ज़्यादा है, ये पैनल बड़ा है, ये इसको देखेंगे आप यहाँ नीचे तक तो 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और यहाँ तक टोटल 86 लोगों का पैनल है इस कैटेगरी में। तो अच्छा है लोगों के लिए। और यहाँ पे एक कटअप देखेंगे 30, 32, 33, 34 कम्युनिटी के लिए, एसटी के लिए 38, 39 तक, 40 तक यूआर के लिए, क्योंकि 40 से तो नीचे यूआर का नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में जब तक अप्रूवल ना मिला हो। और यहाँ पे ऊपर में अगर देखें 41, 42 का कटअप है ओबीसी वाले कैंडिडेट का। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा ये पैनल है। उसके बाद अगला आपका 63 का, तो इस 63 में भी देखेंगे 35 से शुरुआत है कटअप, और 35, 32, 33, 31, 30 ठीक है कैंडिडेट के लिए बेनिफिट है, जिनका कैंडिडेट का हुआ बधाई। एक बार आप 66 नंबर भी देखेंगे टेक्नीशियन वर्कशॉप साउथर्न रेलवे का, जिसमें भी देखिए कि कटअप 42 से लोके 40 तक हुआ है और टोटल 37 लोगों का ये पैनल यहाँ भी है। उसके बाद अगला आपका वर्कशॉप में ही है 67 नंबर का, एक कैंडिडेट एसटी से है। उसके बाद अगला आपका टेक्नीशियन मशीनिस्ट का एक कैंडिडेट है। उसके बाद टेक्नीशियन सिग्नल वाला यानी पीसीएम कैटेगरी 134 शुरू हो गया, जिसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे कटअप आपको हाईएस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कटअप हाईएस्ट है और हर कम्युनिटी के लिए 70, 78, 72 यहाँ पे अभी बहुत कैंडिडेट वेटिंग में अभी बच गए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि पीसीएम टेक्नीशियन में तो अभी जितने कैंडिडेट को निकालेंगे वेटिंग ही निकल जाएगा। उसके बाद उसी का दूसरा कैटेगरी पार्ट 136 नंबर टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन में भी 7 ही लोगों का नाम लिया है और इनका कटअप भी 77, 78 के ऊपर ही रहा है। उसके बाद आपका वेल्डर का है एक कैंडिडेट का, जिनका सिलेक्शन 35 नंबर पे हुआ है ओबीसी में। उसके बाद आपका आईसीएफ में टेक्नीशियन वेल्डर का दूसरा ही 36 नंबर। उसके बाद वर्कशॉप वेल्डर के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ भी कैंडिडेट का संख्या ठीक ठाक है और नीचे तक आएंगे तो टोटल 19 कैंडिडेट है और ये पैनल समाप्त होता है। यानी पैनल तो बड़ा है लेकिन अभी लोगों को, बहुत लोगों की उम्मीदें हैं कि और भी आए और आने भी चाहिए। अगर पोस्ट खाली है तो जॉब तो देना है, अब न्यू रिक्रूटमेंट से दें या पहले वाले कैंडिडेट का, तो पैनल की वैलिडिटी है, अभी भी पॉसिबल है, अभी भी और कैंडिडेटों का आ सकता है। अब बात कर लेते हैं जो पैनल का स्टेटस है उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल दिया है कि कौन से पोस्ट का क्या है, उसके बारे में इन्होंने एक एक करके दे दिया है। कैटेगरी 25 से लेकर 155 तक आपका ये दिया है, आपका जो आपके रेलवे के बोर्ड के रिलेटेड है 7, 6 तक 22 तक जो हुआ था उसका। उसके बाद आपका ये एडिशनल पैनल के बाद जो कटअप आया, कितने लोगों का पैनल दिया गया उसके बारे में ये दे दिया, और फाइनल में आपका ये दिया हुआ है कैंडिडेट का जो रेलवे का लेटर वाला के बाद कुछ कैंडिडेटों का है वो भी दिया हुआ है। तो ये स्टेटस है, इसका कटअप भी साथ के साथ है हर कम्युनिटी का। तो 40, 50 से नीचे और 30 से ऊपर के बीच में सारा कटअप है। तो ये पूरा डिटेल में आप देखेंगे तो अगर ये पूरा कटअप अभी सभी पोस्टों का लगभग इसी रेंज में है, तो जो कैंडिडेट इनमें डिजर्व कर रहे थे उनकी क्वालिफिकेशन आईटीआई के हिसाब से था, वो उनका सेलेक्ट किया गया है। एक और डिटेल था इसी में जिसके बारे में हमने थोड़ा सा शायद उसको हम हाईलाइट नहीं कर पाए, जो ये वाले था जो रिप्लेसमेंट पैनल में था, ये बहुत छोटा पैनल है, 3 लोगों का पैनल है, एक कैंडिडेट आपके
कैटेगरी 45 में आए हुए हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए, और दो कैंडिडेट आए हुए हैं इसमें 61 में जो आपके एसटी कम्युनिटी से हैं। तो ये पूरा डिटेल था पैनल का, और कहें तो एक अच्छा पैनल है, और अच्छा पैनल है, अच्छा कल्याण में है, लेकिन आगे भी लोगों का उम्मीद है। कई सारे कैंडिडेट कमेंट किए हैं कि मेरा अभी भी नहीं हुआ, तो उम्मीद है कि आने वाले पैनल में आपका हो जाए सिलेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।